गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम भूगोल का पार्ट 4 पढ़ेंगे जिसका नाम है कृषि। कृषि क्या है? कृषि है एक खेती जो कि जिसमें कि हमारे भारत का महत्वपूर्ण भाग जो है या महत्वपूर्ण लोग जो हैं इस कृषि पर ही आश्रित हैं। लगभग 2/3 जो हमारी पॉपुलेशन है या हमारी जनसंख्या है वो कृषि पर आश्रित है। बहुत 2/3 जनसंख्या के जो लोग हैं उनका जीवन निर्वाह कृषि पर ही आश्रित है। वो कृषि पर ही पूरी तरह से निर्भर है। कृषि दो प्रकार की कह सकते हैं हम, एक जो खाद्य पदार्थ जिसमें उगाए जाते हैं, दूसरा कि वह कृषि जहां पर कच्चा माल हमारे जो उद्योग है उनके लिए तैयार किया जाता है। तो कृषि के प्रकार इस प्रकार है, जैसे प्राणिक जीवित एक कृषि इस प्रकार की है जो कि अपने निर्वाह के लिए, अपने जीवन के पालन पोषण के लिए किसान उगाता है। इस प्रकार की कृषि में जो किसान है वो अपने छोटे से जमीन के भाग पर कृषि को उगाता है और फिर उस पर अपने जो उनके परिवार का पालन पोषण जिस तरह से हो सके उतनी ही वो उसमें उपज पैदा कर पाता है। और ये जो कृषि है ये मानसून पर पूरी तरह से निर्भर होती है। अगर मानसून अच्छा होगा तो ये कृषि अच्छी होगी, और अगर मानसून अच्छा नहीं होगा तो ये कृषि, इस प्रकार की कृषि में किसानों को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। एक और कृषि आई, ये है कर्तन दहन प्रणाली, यानी कि ये इस प्रकार की कृषि है जहां पर जंगलों को या ऐसे बंजर क्षेत्रों को साफ किया जाता है और उसे कृषि योग्य बनाया जाता है, और उन पर फिर एक पर्टिकुलर टाइम पर या कुछ समय के लिए वहां पर कृषि की जाती है, और उस कृषि वो जब फसल वहां पर उगकर तैयार हो जाती है या पैदा हो जाती है और जब उसको काट लिया जाता है तो एक दो फसलें उगाने के बाद वो भूमि जो है वो बंजर फिर से हो जाती है। तो किसान को उस जगह को छोड़कर या उस भाग को छोड़कर फिर अगली जगह पर जिस तरह से हम कह सकते हैं खानाबदोश जो हमारी एक जाति है, उस तरह के लोग फिर उस जगह को छोड़कर अगली जगह पर कृषि करने के लिए चल पड़ते हैं अपने पूरे जानवरों को, अपने पूरा सामान लेकर। इस कृषि की उत्पाद, ये जो कृषि है यहाँ पे उत्पादक क्षमता बहुत कम होती है। ये देश के भिन्न भिन्न भागों में भिन्न भिन्न प्रकार से नाप जाने जाती है, जैसे कि उत्तर पूर्व राज्यों में जैसे असम, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड में इस कृषि को झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। जैसे कि जंगलों को साफ किया गया, उनके जो पत्ते हैं उनको वहां पर जलाया गया और वो जो उपज हुई वहां पर फिर उस जगह को कृषि योग्य बनाया गया, वहां फसल उगाई गई, फसल जब तैयार हो गई उसको काट लिया गया, काटने के बाद फिर कुछ समय के बाद उस जगह को छोड़ दिया गया और फिर अगली जगह पर अपने वो जानवरों को, अपने परिवारों को लेकर वो उस जगह से चल पड़ते हैं। अब आए गहन जीविका कृषि। गहन जीविका कृषि क्या है? ये एक ऐसी कृषि है इसमें हम जनसंख्या का दबाव अधिक होता है, यानी कि अधिक लोग इसमें छोटी सी जमीन के टुकड़े पर अधिक लोग, जहां पर बहुत कम लोग काम कर सकते हैं वहां पर बहुत अधिक लोग मिलकर काम करते हैं। श्रम गहन खेती है जहां अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक, जैसे कि हमारे जो हम लोग खेती में केमिकल्स यूज करते हैं, खादों का इस्तेमाल करते हैं। आजकल तो आपके ग्रीन हाउसेस में आपने देखा है कि इंजेक्शंस के जरिए भी जो सब्जियों को तैयार किया जाता है, तो इसमें वो सारी चीजें आ जाती है। एक ऐसी कृषि जहां पर हमारे रासायनिक निवेशों की सिंचाई का प्रयोग कर रासायनिकों का इस्तेमाल कर उस जो फसल है उसको तैयार किया जाता है और फिर फसल को तैयार होने के बाद उसको इस्तेमाल के लिए प्रयोग किया जाता है। फिर आई हमारी वाणिज्य कृषि। ये एक ऐसी कृषि है जिसमें कि हम अधिक मुनाफा कमाने के लिए, अधिक मुनाफा कमाना चाहते हैं और अधिक मुनाफा कमाने के लिए हम मजदूरों को उस कृषि के लिए लगाते हैं, और जब वो अपनी कृषि हमारी तैयार होगी तो हम इसमें ऐसी कृषियों को उत्पादन करते हैं, जैसे हो गया रबड़, फिर गन्ने की कृषि। इनमें बहुत सारी फसलें तैयार की जाती हैं जो कि हम जिनका विदेशों में या और जगहों पर जिनका निर्यात कर सकते हैं, या फैक्ट्रियों के लिए, हमारे उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार किया जाता है ताकि हमारे उद्योग भी उस कृषि से
आगे बढ़ सके, हम किसियों के द्वारा कच्चा माल जो तैयार किया जाता है उसका इस्तेमाल करें और हमारे लिए और इस्तेमाल करने योग्य चीजों का उत्पादन कर सके। अब आगे रोपण कृषि, ये व्यापक क्षेत्र में की जाती है। रोपण कृषि जैसे गन्ने की कृषि आ गई, ये बहुत सारे क्षेत्र में की जाती है। और फिर ये ऐसी कृषि है जो कि साल में एक ही फसल, उस पर्टिकुलर एरिया में उस क्षेत्र में सिर्फ साल में एक ही फसल उगाई जाती है और उसी फसल पर किसान निर्भर होता है। जैसे आपके देखने आपने सूरजमुखी के, सोयाबीन के, इस तरह के पौधे उगाए जाते हैं जो कि किसान अपना अधिक मुनाफा कमाने के लिए उन कृषियों का उत्पादन करता है। अब हमारा जो भारत है वो क्या है, हमारा भारत एक इसमें बहुत सारी विभिन्नताएं पाई जाती हैं, बहुत सारी संस्कृतियां पाई जाती हैं, तो उसके आधार पर अलग अलग जगहों पर अलग प्रकार की कृषियां की जाती हैं। उनका करने का तरीका, उनका वो किस तरह से फसलों को तैयार करते हैं, जैसे कुछ कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे धान की कृषि बहुत अधिक की जाती है, कहीं कहीं हमारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे चाय के उत्पादन किए जाते हैं, कहीं पर गन्ने की कृषि की जाती है, कहीं पर गेहूं की ही कृषि बहुत अधिक मात्रा में की जाती है। तो ऐसा जो हमारा जो भारत देश है उसमें अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार की अलग अलग तरीके से कृषि की जाती है और हमारा किसान 2/3 जो हमारे भारत की जनसंख्या है वो उसी पर निर्भर है, उसी पर आश्रित है। तो बच्चों ये हुई हमारी कृषि और इसके इस प्रकार के ये प्रकार है। धन्यवाद।